तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम तीन अंक वाली संख्याओं का वर्ग ट्रिक की मदद से कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने दो अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक सीखी थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी तीन अंक वाली संख्या का वर्ग 5 से 10 सेकंड के अंदर निकालना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रिक की मदद से 105 का वर्ग निकाल लेंगे, 997 का वर्ग निकाल लेंगे और फिर 100 और 1000 के बीच वाली संख्या यानी 745 का वर्ग भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों 105 का वर्ग यानी स्क्वेयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके नजदीक की ऐसी संख्या देखनी होगी जिसमें जीरो हो। तो इसके नजदीक की वो संख्या कौन सी है, 100 है, तो 100 को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। ठीक है, अब 105 100 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 5 का वर्ग निकाल के हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, 5 का वर्ग क्या दोस्तों, 25, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 105 है इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 105 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां पर ऐसे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 110 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 105 में से हम 5 को घटा देंगे। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह आएगा, 105 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, और इसके बटे में हमें हमेशा क्या लेना है, 100 लेना है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, 100 से कितना बड़ा है, 105, 5 बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर निकाल के हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे आगे कोई अंक हो तो वो यहां पर आगे जुड़ जाएगा, मतलब वो यहां पर कैरी हो जाएगा और कैरी यहां से जो कैलकुलेट करके आएगा उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, 105 में 5 जोड़कर यहां पे लिख दिया, 105 में से 5 घटाकर यहां पर लिख दिया और बटे में क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा और हमारा उत्तर यहां पर निकलकर क्या जाएगा, 110 को हम लिख देंगे। ठीक है, और 25 का 25 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ दोस्तों, 11025, जो 105 का वर्ग है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सवाल आपको क्लियर होगा, अगर आपका थोड़ा भी डाउट रहता है तो वो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या करना है दोस्तों, 997 का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, वो संख्या देखेंगे इसके नजदीक वाली जिसमें जीरो हो। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1000 होगी। ठीक है, 1000 को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो एक बार हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों यहां पर हमने क्या किया था, 5 का स्क्वायर निकालना था, 5 का वर्ग निकालना था, तो यहां पर हम 3 का वर्ग निकाल लेते हैं जिसको हमें डबल डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, 9 को हम क्या लिखेंगे, 09। ठीक है, यहां पे ऐसी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, 997 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, और गुना में 997 में से 3 को घटाना है हमें। ठीक है, तो 997 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 994। ठीक है, और बटे में हमेशा क्या लिखना है हमें, 100 लिखना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 994 को 10 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 994 और 1 जीरो। ठीक है, और बाकी इस 09 को यहां पर एज इज लिख देंगे। ठीक है, 09, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा, यानी 997 का वर्ग क्या निकल के आया दोस्तों, 9,94,009। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए अंतिम सवाल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरे सवाल में हमें क्या करना है, 745 का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है। अब ये जो संख्या है दोस्तों, इसके पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें हमारे पास 2 जीरो हो। ठीक है, जिसको हम आसानी से बेस मान सके। ठीक है, जैसे हमने पहले दो एग्जांपल्स में किया था। तो दोस्तों यहां पर हमें बेस किस संख्या को मानना होगा, या तो हम 740 को मान सकते हैं या फिर हम 750 को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम 750 को मान लीजिए बेस मान लेते हैं। ठीक है, अब 745 750 से कितना छोटा है, सेम तरीके से हमें करना है जैसे हमने पहले दो एग्जांपल्स में किया था। कितना छोटा है, 5 छोटा है, तो एक बार क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे।
अब क्या करना है दोस्तों, 5 का वर्ग निकाल कर यहां पर लिख देंगे। 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, यहां पर हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 745 में एक बार 5 को जोड़ेंगे, कितना जाएगा 750, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और एक बार क्या करेंगे, 745 में 5 को घटा देंगे, ये कितना जाएगा 740, और बटे में हमेशा हमें 100 को लिखना है, ठीक है, जैसा हमने पहले दो एग्जांपल्स में किया था। अब दोस्तों हम फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए 740 को ऐसे रहने देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 75/10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.5, ठीक है, गुना में क्या जाएगा 740, ठीक है। और 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2, ठीक है, और गुना में कितना है 740। अब 2 से हम 740 को काट सकते हैं, काट देते हैं, 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 0 का 0, ठीक है। अब 15 की गुना कर देते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 15 7 105, 10 8 बच गया, 15 3 45 और 10 55, ठीक है। और इसके आखिर में हम इस 25 को एज इट इज लिख देंगे और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, 745 का वर्ग यानी स्क्वेयर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी 3 अंक वाली संख्या का वर्ग 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इन तीनों एग्जांपल्स को आपको समझाते हुए हल किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।